शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे होंगे। यही मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप दिन प्रतिदिन अपनी पढ़ाई को पर ध्यान दे रहे होंगे। तो हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक हास्य व्यंग्य है, यानी बड़ा ही रोचक पाठ है, जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही हंसी आएगी, बहुत ही हंसी छूटेगी और हमको बहुत मजा आएगा। ठीक है, जिसका शीर्षक है सेठ गरीबदास का रोग। सेठ गरीबदास का रोग। किसी नगर में क्या था, एक सेठ रहता था। किसी नगर में एक सेठ रहता था, उसका नाम तो गरीबदास था, लेकिन वो गरीब नहीं था। गरीब यानी जिसके पास धन दौलत या जिसको समय पर खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता, वो ऐसा नहीं था। वो सेठ था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन उसके दिन प्रतिदिन उसके बहुत सारे क्या थे, दिन प्रतिदिन उसके दुख, उसके रोग बढ़ते जा रहे थे। उसको बहुत सारे क्या थे, दुख थे, और उसका रोग किसी से ठीक ही नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन डॉक्टर वैद्य हकीम आते और उसका इलाज करते, लेकिन किसी से भी उसका रोग ठीक नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो बहुत दुखी हो गया तो उसने क्या किया, घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे को ठीक करेगा मैं उसको उचित इनाम दूंगा। अब इनाम के लालच में आकर बहुत सारे वैद्य आए, लेकिन वो किसी से भी ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो एक दिन एक बूढ़ा हकीम आया, यानी बूढ़ा हकीम यानी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी और उसको तजुर्बा भी बहुत था। ठीक है, जैसे आप जाते हो ना किसी डॉक्टर के पास, जाते हुए कहते हो भाई इसका अनुभव ज़्यादा है, ये ठीक कर देगा। आप किसी डॉक्टर से आपका इलाज नहीं होता, आप कहते हो उसके पास जाओ बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो ऐसे ही है कि बूढ़ा हकीम आया, उसने क्या किया, वहाँ पर आने के बाद उसके जो घर में नौकर रहते थे उनसे उसके बारे में पूछा, उसके रसोइये से भी उसके बारे में पूछा, भाई क्या खाता है, कैसे खाता है, कितनी इसकी खुराक है। तो उसके बाद क्या किया, उसने सेठ को देखना शुरू किया, उसकी शरीर परीक्षा यानी उसके शरीर की जांच की। ठीक है, उसके बाद उसने सेठ से पूछा कि आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो। तो उस सेठ ने उसको बताया कि मैं खाता तो ठीक ठाक हूँ, ज़्यादा भी नहीं खाता और कम भी नहीं खाता। अब वो तो अपना बचाव कर रहा था, तो वो कहने लगा मेरे को सब पता है, जो बूढ़ा हकीम, वो कहने लगा मेरे को सब पता है आप क्या खाते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताते नहीं, बताओ आप क्या खाते हो। उसने बताया कि सुबह उठकर मैं क्या करता हूँ, 8 खस्ता कचौरी खा लेता हूँ, हलवा खाता हूँ, ठीक है, हलवा खाता हूँ, एक बड़ा कटोरा हलवा खाता हूँ, एक कटोरी मलाई खाता हूँ, कुछ सूखे मेवे खाता हूँ, एक लोटा दूध नाश्ते में पी लेता हूँ, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाया करता सुबह, वो खाना बहुत ज़्यादा खाता था। तो क्या हो गया, अब वो मोटा हो गया। ठीक है, और उसने बताया अब दोपहर में और शाम को तो मेरी खुराक इससे भी दुगनी है। अब ऐसा सुन के हकीम भी चौंक गया, अभी तो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। और उसने कहा ठीक है, तो मैं आपका इलाज कर दूंगा, आपका इलाज करने के लिए मेरे को एक निर्जन यानी ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ कोई भी न हो। तो सेठ ने कहा ठीक है, शहर से बाहर मेरी कोठी है, वहाँ पर ले जाओ मुझे, वहाँ पर मेरा इलाज कर लेना। उसने कहा ठीक है, मैं कल आऊँगा, आप वहाँ चले जाना, वहाँ मैं जाकर आपका इलाज करूँगा। तो जो बूढ़े हकीम के साथ जो उसका सहायक था, तो उसने उसको सेठ के पास छोड़ दिया और उसकी सारी बात जानने के लिए कहा, और कहा अगले दिन आप इसको कोठी पर लेकर आ जाना। ठीक है, तो जब सेठ को घर से कोठी पर ले जा रहे थे, तो उसके सहायक ने कहा पैदल ही चलो। अब सेठ कहाँ पैदल चलने वाला था, सेठ बोला भी मेरे पास तो 4-5 गाड़ियाँ हैं, ये क्या काम आएंगी, हम इसमें बैठकर चलेंगे। वो पैदल नहीं चला, किस में बैठकर गया, आखिर में अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी कोठी तक गया और वहाँ पर उतरा, तो आगे बूढ़ा हकीम भी वहाँ पर मिला, यानी वैद्य भी वहाँ था। तो वैद्य क्या किया, सेठ आगे आगे चल रहा था, क्यों सेठ की तो कोठी थी, उसको पता है अभी कहाँ क्या रखा हुआ है। सेठ आगे आगे चल रहा था और बूढ़ा हकीम पीछे पीछे चल रहा था। अब जैसे ही सेठ कमरे में घुसा, तब बूढ़े हकीम ने क्या किया है, ठीक है, सेठ के कमरे को बंद कर दिया। अब अंदर गया, जूती उतार कर जब अंदर गया सेठ, तो कमरे का फर्श बहुत गर्म था, गर्म इतना था कि वो सहने कम हो सके। ठीक है,
जैसे आप बाहर निकलते हो ना गर्मियों में, आप देखते हो धरती गर्म हो जाती है, आपके पैर कभी आप इधर टेकते हो कभी उधर टेकते हो, अपना बचाव करते हो चलते हो। तो ऐसे उछलने कूदने लगा और ये कहने लगा खोलो भाई बचाओ मेरे को बचाओ। तो उसने, अब वहां पर कोई था नहीं, सिर्फ हकीम था, ठीक है बूढ़ा हकीम था, अब कौन उसको बचाने आता। जब एक डेढ़ घंटा हो लिया और शेठ खूब उछल कूद लिया तो उसका बहुत सारा पसीना आ गया, तो जब बूढ़े हकीम ने क्या किया उसके कमरे को खोल दिया और उसको बाहर निकाला और उसको एक पेड़ की छांव में बिठा दिया। अब पेड़ की छांव में जब आपको बहुत गर्मी लगती है आप पेड़ की छांव में बैठते हो, आपको बड़ा संतोष मिलता है, आप अपने आप को वहां पर बड़ा आरामदायक महसूस करते हो। तो आराम से सेठ वहां पर बैठ गया। थोड़ी देर में जब उसको पसीना सूखा तो उसको ये महसूस हुआ कि अब मेरा शरीर क्या है, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत आराम है, ठीक है। तो जब उसको हकीम ने समझाया कि आप क्या करते हो, खाना बहुत दिखाते हो और कभी भी व्यायाम नहीं करते, कभी भी योगासन नहीं करते, जो कि आपके शरीर के लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। अगर आप खाना खाते हो तो आपको आपको परिश्रम भी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे ही क्या क्या करवाता गया हकीम, उसकी ऐसे ही उसकी एक्सरसाइज करवाते गया और आराम आराम से क्या हो गया, जब उसका पसीना निकलता तो आराम आराम से सेठ ठीक होना शुरू हो गया। अब सेठ को गुस्सा भी आता जब वो उसका इलाज कर रहा था, लेकिन उसको ये पता चला कि मेरे को तो बहुत ही आराम हो रहा है, तो उसका गुस्सा भी शांत होता गया और वो बहुत खुश हुआ और अंत में आकर वो बूढ़े हकीम की प्रशंसा करने लगा और उसको उचित इनाम भी दिया, ठीक है। और बूढ़े हकीम ने उसको क्या सलाह दी कि आप खाना कम खाया करो और सुबह उठकर क्या किया करो, कसरत किया करो, मेहनत किया करो, व्यायाम किया करो, योगासन किया करो। जब तक आप सुबह उठकर अपने शरीर की कसरत नहीं करोगे तो आपका खाना सब बेकार है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो और आवश्यकता अनुसार खाना खाया करो, और खाना भी खाते हो तो आप क्या किया करो, सुबह उठकर कसरत किया करो, व्यायाम किया करो, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे शरीर के लिए व्यायाम भी बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी आप सभी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।